आज हम बनाएंगे रस भरे केसरी गुलगुले, जिसके लिए हमने मैदा लिया है एक कप, एक कप चीनी, दो बड़े चम्मच दही, एक कप दूध, एक कप पानी, थोड़ा सा खाने वाला सोडा वन पिंच, कलर और ये सजाने के लिए बादाम। अब हम पहले चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनने रख देंगे, इसमें चीनी डालेंगे और एक कप पानी। ये हमने मेज़र करके लिया है। चाशनी हम 5-10 मिनट की बनाएंगे। हम इसको हल्का चिपचिपी रखेंगे, तार की नहीं बनाएंगे। ये चाशनी हमारी बन रही है, इसमें हम उसका बैटर तैयार कर लेते हैं गुलगुलों का। रखे हुए हैं किशमिश और बादाम, बादाम काट के ये डालेंगे, थोड़ा सा कलर डालेंगे, और कलर थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा वन पिंच। अब दूध से हम इसको बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा डो बन के तैयार हो चुका है और चाशनी भी तैयार हो गई है। अब हम तेल गरम रख लेते हैं। तैयार हो चुकी है, अब तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। इसको गरम होने देंगे। ये तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें गुलगुले डालते हैं। ये गुलगुले हमारे तैयार हो चुके हैं, अब इनको हम चाशनी में डाल देंगे। ये हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए रहने देंगे, 5-10 मिनट के लिए। 5-10 मिनट के लिए रख देंगे इसमें सोक करने के लिए चाशनी। बड़े केसरी गुलगुले तैयार हैं, अब हम इनको बादाम से गार्निश करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।